नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा फॉर्मूला लेके आया हूँ जो कि पूरा YouTube हिस्ट्री में अभी तक ये फॉर्मूला ना किसी ने बनाया है ना किसी ने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये फॉर्मूला क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वो मैं आज आपको सब बताऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, वी लुकअप कैसे वर्क करता है। वी लुकअप अगर आपके पास मल्टीपल नेम्स हो जिसमें डुप्लीकेट नेम्स भी बहुत सारे हो, बिल्कुल इस तरह, तो वो क्या करता है, सबसे पहली वैल्यू आपको लाके दे देता है। सिमिलर केसेस में इंडेक्स मैच कैसे वर्क करता है। इंडेक्स मैच भी अगर आपके पास मल्टीपल नेम्स हो जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो, बिल्कुल इस तरह, वो आपको फर्स्ट वैल्यू लाके दे देता है। मगर ये फॉर्मूला क्या करेगा, अगर आपके पास मल्टीपल नेम्स हो और उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो, तो सिमिलरली आप एक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक सिंगल सेल में आपको वो सारी वैल्यूज मिल जाएगी, है ना शॉकिंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं आपको वी लुकअप दिखाऊंगा, एच लुकअप दिखाऊंगा और सिमिलर केसेस में ये फॉर्मूला दिखाऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक में मूव होते हैं और ये सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा सेट अवेलेबल है जिसमें हमारे पास रिक्वेस्ट आईडीज हैं, नेम्स हैं और अमाउंट है। मैं आपसे पहले ही बता दूं मेरे इस फॉर्मूले से क्या पॉपुलेट होगा। हमारे पास यूनिक आईडीज हैं, ये सारी आईडीज अगर मैं यूनिक कर लेता हूं तो कुछ इस प्रकार से आईडी आ जाती है मेरे पास। अगर ये आ जाती है, मुझे ये जानना है एक आईडी के ऊपर कितने पर्सन ने काम किया है। क्या हम वो वीलुकअप से निकाल सकते हैं, वो भी हम चेक करेंगे, या इंडेक्स मैच से, या तीसरा जो फॉर्मूला है हमारा टेक्स्ट जॉइन और एरे, क्या हम इससे निकाल सकते हैं, तो वो हम आज देखेंगे। आपसे बता दूं फ्रेंड्स, ये YouTube हिस्ट्री में आज तक कभी किसी ने पॉपुलेट नहीं किया है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। सबसे पहले अपनी इन आईडीज को पॉपुलेट कराते हैं, इन आईडीज को पिक करते हैं, एक यूनिक बना लेते हैं। मैंने ये यूनिक कर लिया है, अब मुझे चाहिए इन आईडीज के बेसिस पे जितनों ने काम किया है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाए। तो मैं वी लुकअप लगाता हूँ, वी लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर लिया मैंने, मैंने फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा टू कॉमा जीरो, मैंने एंटर कर दिया है। अब देखिए वी लुकअप ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी। मैंने वी लुकअप लगाया तो वी लुकअप में ये जो एक आईडी है, मगर इसके करस्पॉन्डेंस सिमिलर आईडी दो और हैं। इसने हमें सबका नाम नहीं दिया, इसने हमें सिर्फ एक जने का जो कि पहला नेम है वही पॉपुलेट करके दिया है, तो हमारा वी लुकअप यहाँ पे फेल हो जाता है। मूव होते हैं इंडेक्स मैच में, क्या इंडेक्स मैच हमें ये करके दे सकता है। इंडेक्स लगाया एरे, एरे का मतलब होता है जो आपको वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए ये वैल्यू, कॉमा मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया, मैच मुझे किससे करवाना है, मुझे मैच इससे करवाना है, किसके अंदर से करवाना है, मुझे इसके अंदर से करवाना है, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए इसने भी बस मुझे पहला सिर्फ सोहन ला के दिया है, शायद ही नीचे दे दे, अभी देखते हैं। जी नहीं, वी लुकअप और इंडेक्स मैच यहाँ पे फेल हो जाते हैं क्योंकि मुझे एक यूनिक आईडी के बेसिस में मुझे ये तीनों नेम्स चाहिए थे जो कि इसने भी नहीं किया। अब हम अपने तीसरे फॉर्मूले पे मूव होते हैं, मैं इसे हाइड कर देता हूँ। ये देखिए ये जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है, मैं पहले आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ ये फॉर्मूला चलता कैसे है। सबसे पहले हम एक इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, मैं बोलता हूँ इफ लॉजिक टेस्ट, अगर ये इफ दिस K2 equals to इसके अंदर, आप बोलेंगे ये गलत फॉर्मूला है, इफ कभी ऐसे वर्क ही नहीं कर सकता। मैं जानता हूं फ्रेंड्स, इफ कभी ऐसे वर्क नहीं करता, इफ सिर्फ रो वाइज वर्क करता है, मगर ये मैं एरे के अंदर लगाऊंगा तो आप देखिए ये आंसर हमें कैसे पॉपुलेट करके देगा। तो हमने बोल दिया इफ K2 इज इक्वल्स टू AA, K2 अगर AA के अंदर हो तो हमें इसमें से जो भी नेम्स हैं, BB के अंदर जो भी नेम्स हैं वो सारे इसके आगे पॉपुलेट करके दे, अगर नहीं है तो हमें ब्लैंक दे दे। मैंने एंटर कर दिया, अब ये देखिए इसने भी शायद हमें आंसर नहीं दिया है, मैं कॉपी करके नीचे ड्रैग करता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं पॉपुलेट हो रहा, आप देख सकते हैं कुछ भी पॉपुलेट नहीं हो रहा। तो ये फॉर्मूला चला क्यों नहीं, इसके लिए हमें चलाने के लिए हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है टेक्स्ट जॉइंट। तो इसके लिए हम लगाएंगे टेक्स्ट जॉइंट जो कि हमारा फॉर्मूला है डीलिमिटर। तो डीलिमिटर हमें किससे सेग्रीगेट करना है, किससे सेपरेट करना है, तो मैं चाहता हूं एक कॉमा से ये सेपरेट हो जाए, मैंने कॉमा लगा दिया। अब बोलते हैं अगर एम्प्टी सेल है तो उसे इग्नोर करना है, मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, अगर एम्प्टी सेल है तो उसे इग्नोर करना है। लास्ट में ये बोलता है टेक्स्ट, अब मैं यहाँ टेक्स्ट नहीं दूंगा, अब मैं यहाँ दूंगा जो मैंने इफ का फॉर्मूला लगाया था जो कि ये है, और मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज।
अब मैं अपने इफ के फॉर्मूले में जाता हूँ, मैं पूरे का पूरा फॉर्मूला कॉपी करता हूँ इक्वल्स टू से पहले, यहाँ पे आता हूँ जहाँ पे मैंने टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला लगाया है, एम टू की जगह मैं अपना पूरा इफ का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए, इसने हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, मगर हमें क्या चाहिए, जो कि हमारी यूनिक आईडी है, उसके बेसिस में कितने जनों ने काम किया है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाए। तो सिंपली हमें F2 प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। एक बार ही आप कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर करेंगे, बस अब आपका फॉर्मूला बन चुका है। अब आप इसे नीचे ड्रैग कर दीजिए, एक बार रिफ्रेश होगा और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस यूनिक आईडी में कितने जनों ने काम किया है, मेरे पास कॉमा लग के उन सब का नेम्स आ गया है। अगर मैं यहाँ पे लाना चाहूँ इसी फॉर्मूले को, मैं पूरे का पूरा फॉर्मूला कॉपी करूंगा, इक्वल्स टू से पहले का कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा, फॉर्मूला पेस्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, क्योंकि ये एरे फॉर्मूला है। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दूंगा तो ये फॉर्मूला चल जाएगा। आप इसे नीचे ड्रैग कर दीजिए और ये देखिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, क्या हमारे फॉर्मूले ने सही आंसर दिया है। तो हम देख सकते हैं 112727 जो हमारा रिक्वेस्ट आईडी था, इसमें कितने जनों ने काम किया है, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले अजय, फिर राजवीर, फिर राम, फिर श्याम। ये देखिए अजय, राजवीर, राम एंड श्याम। और सिमिलर केसेस में 13333, 4 times 3, इसमें कितने जनों ने काम किया है, सैम, रमन एंड भूपेंद्र। तो ये देखिए सैम, रमन एंड भूपेंद्र। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी, और अगर आपको ये फाइल एक्सरसाइज के लिए चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये फाइल डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये फिर से बता दूं फ्रेंड, पूरे YouTube हिस्ट्री में ये वाला फॉर्मूला आज तक यूज नहीं किया गया है, ना कि ये वाला फॉर्मूला किसी ने इन्वेंट किया है। तो ये फॉर्मूला, ये वीडियो आप जितने हो सके, जितना भी हो सके पॉसिबल फ्रेंड्स, आप इसे शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है एक्सेल का, जिससे हम अपने जो हमारा काम वी लुकअप नहीं कर सकता, इंडेक्स मैच नहीं कर सकता, वो हमारा टेक्स्ट जॉइन विद एरे फॉर्मूला इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट करके देता है। यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आने में आप लोगों को क्या करना है, जी हाँ, लाइक, क्योंकि ये इतना अमेजिंग फॉर्मूला है, शायद आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आए, तो लाइक किए बिना प्लीज फ्रेंड मत जाइएगा। और नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, बिल्कुल नीचे, हाँ यहाँ पे, आप उसे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग फॉर्मूलास, इंटरेस्टिंग मैक्रोस आप लोगों को मिल पाए। और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्या आपने ये फॉर्मूला पूरे यूट्यूब में, अगर आपने सर्च भी किया होगा, कभी आपने ये फॉर्मूला देखा है आज तक, कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और आप लोगों को ये फॉर्मूला कैसा लगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।